हेलो, कैसे हैं? वेलकम टू द चैनल। हमारी एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें फ्री कुंडली चार्ट एक और रीड करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को एक और चार्ट को रीड करने की मैं कोशिश करूँगा। इसमें ये रिपीट कुंडली चार्ट है जो 30 जुलाई से पहले पहले जिन्होंने भेजा था, उसमें से एक और वीडियो, एक और चार्ट है और वो जो मैंने सिलेक्ट करी है अभी, तो इन्होंने रिपीटेड डाली थी, तो मैं अब इनकी सिलेक्ट करके इनकी आज रीडिंग करूँगा। रीडिंग करने से पहले जो जो लोग अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीड करवाना चाहते हैं, मेरा ओपन पॉलिसी चल रहा है अभी, क्योंकि मैं फ्री कुंडली चार्ट रीड करता हूँ। हर 15 दिन में एक सिलेक्ट कुंडलियाँ सिलेक्ट करता हूँ, उनकी रीडिंग करता हूँ। तो आप भी अपनी कुंडली 15 अगस्त से पहले पहले, जो अभी टाइमिंग चल रहा है, 15 अगस्त से पहले पहले अपनी कुंडली अब मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, अपना नाम और अपने दो सवाल डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर प्रोवाइड कर दीजिए। मैं आपकी अगर कुंडली सिलेक्ट होती है तो 15 अगस्त के बाद आपकी भी कुंडली आपके दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज रिपीट कुंडली है ये, कई दिनों से इन्होंने दिया है, तो इनकी आज मैं रीडिंग करूँगा। उससे पहले एक और चीज़ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी वो डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करूँगा। ऑब्वियस वो चार्जेबल होगी, ठीक है? तो आज हम लोग फ्री कुंडली रीडिंग में एक और कुंडली लेते हैं, मृत्युंजय की कुंडली है। इनकी रीडिंग करते हैं कैसी रहती है, देखते हैं। ये मृत्युंजय की कुंडली है, कुंडली में ये मृत्युंजय के आयु 32+ है। इनके दो सवाल है कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, करियर कैसा रहेगा, ये एक सवाल है। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन लाइफ टाइम के लिए कैसा रहेगा, ये इनका दूसरा सवाल है। सेकंड क्वेश्चन ये है इनका। अब इनकी अभी महादशा चल रही है मून की, और अंतरदशा जुपिटर की ख़त्म हुई है अप्रैल में और 2022 के, और सैटर्न की भी चलेगी और नवंबर तक चलेगी, नवंबर 2023 तक चलेगी सैटर्न की अंतरदशा। मून के अंदर मून की महादशा चल रही है, जुपिटर की अंतरदशा ख़त्म हुई है 22 में 11 अप्रैल को, और शनि की अंतरदशा चलेगी और वो मून के अंडर चलेगी, वो 2023 तक चलेगी नवंबर तक। उसके बाद मरकरी की लगेगी, मरकरी की अंतरदशा में ये चलेगी 2025 तक, मरकरी की अंतरदशा चलेगी। बहरहाल इसके बाद इनकी एक महादशा फिर लगेगी 2028 के 12 जनवरी 2028 से इनकी मार्स की मंगल की महादशा लग जाएगी। बहरहाल चार्ट हम रीड करते हैं, चार्ट में हम देखते हैं क्या हाल चाल है चार्ट का। देखा जाए तो केतु और गुरु दोनों लगन में बैठे हैं, कैंसर लगन है, ठीक है। मून सेकंड हाउस में बैठा है, मून इसके मालिक हो जाते हैं लगन के, और मून सेकंड हाउस में बैठा है, सूर्य के घर में बैठे, सूर्य छठे घर में बैठा हुआ है, जो कि खास अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक है, चलेगा, लेकिन कुछ खास अच्छा नहीं है। मरकरी के साथ बैठा है, मरकरी और सूर्य का यहाँ पे कंजंक्शन है और केतु का जुपिटर के यहाँ पे कंजंक्शन है। मरकरी यहाँ पे थर्ड हाउस और सिक्स मतलब 12th हाउस और थर्ड हाउस का ओनर होके 6th हाउस में बैठा है, तो मरकरी खास अच्छे घरों का मालिक नहीं है, लेकिन 12वें घर का होके 6ठे घर में बैठा है तो नीच भंग राजयोग का ये फॉर्मेशन कर देता है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे सैटर्न राहु के साथ और वीनस के साथ 7th हाउस में बैठा है, ये काफ़ी पावरफुल तीन प्लैनेट्स एक ही घर में बैठे हुए हैं 7th हाउस में, और आपका जो वर्किंग लॉर्ड है, करियर का लॉर्ड है, वो 11th हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ डिज़ायर में बैठा है। तो हाउस ऑफ डिज़ायर में मंगल बैठने के कारण 10th हाउस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मिलने के चांसेस बन जाते हैं, अच्छा बेनिफिट रहता है। आपके फादर से आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपका फादर का कॉपरेशन रहेगा, लेकिन मंगल यहाँ पे बैठे हुए प्रॉपर्टी, और अगर आप प्रॉपर्टी फाइनेंस से रिलेटेड या आर्मी या क्या बोलते हैं आर्म्स रिलेटेड कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं, आर्मी रिलेटेड या पुलिसिंग रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या सर्विस सेक्टर में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ पे मंगल यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा, वर्क करने की कोशिश करेगा अगर आप जॉब ढूंढ रहे तो। हालांकि मेरे हिसाब से आपका भी मून की महादशा चल रही है और ये सेकंड हाउस पे मून बैठा हुआ है, तो आपको अभी फिक्स एसेट और एक्युमुलेटेड प्रॉपर्टीज मिलने के चांसेस हैं। देखिए मृत्युंजय
एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपकी कुंडली में जॉब से ज़्यादा बिजनेस का आसार ज़्यादा बनता है। आप बिजनेस अगर करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी वाइफ, आपकी शादी हो गई है और अगर आपकी वाइफ आपके साथ रहती हैं तो उनसे एट प्रेजेंटली कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे, बट मेंटल प्रेशर भी रहने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, वाइफ ऑब्वियसली आपकी आउट ऑफ कास्ट होने के चांसेस हैं, आपकी इन कास्ट या आपकी पसंद की शादी होगी इसके ज़्यादा चांसेस हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपकी शादी हो गई है तो, अगर नहीं हुई है तो बिज़नेस से आपको फ़ायदा मिलेगा, अर्निंग मिलेगी। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप कोई लोहे का बिज़नेस करते हैं, ऑयल का बिज़नेस करते हैं, या आप कोई ब्यूटी रिलेटेड बिज़नेस करते हैं, एक्टिंग करने जाते हैं, या आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं, राहु यहाँ पे हवा होता है, राहु इन दोनों को हेल्प करेगा। राहु खुद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कई सारी चीज़ों से रिलेटेड काम करता है, तो अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल रिलेटेड पार्ट्स रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, या कार रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, या कार का कोई बिज़नेस करते हैं, आपका शोरूम हो या आप शोर, आपके फादर ने आपको कुछ प्रोवाइड किया हो बिज़नेस के लिए, या आप खुद अपनी एबिलिटी से कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ तीन प्लैनेट बैठे हैं, तीनों का असर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दसवां घर है ये, और दसवें घर में दोनों के दोनों प्लैनेट, शनि का खुद का घर है, शनि यहाँ खुद बैठा है और एट्थ हाउस का ओनर होके भी यहाँ बैठा है, तो बिज़नेस से लाभ का, एकुमुलेटेड बेनिफिट्स का मालिक होके यहाँ बैठा है, और खुद टेंथ का मालिक होके यहीं बैठा है, तो यहाँ पे शनि अच्छा प्रभाव देगा और नवंबर तक आपका, आपके पास चलेगा, आपका टाइम चलेगा, शनि की अंतरदशा चलेगी। उसके बाद मरकरी लगेगा, मरकरी भी नीचभंग राजयोग बना के बैठा हुआ है, अच्छा ठीक ठाक असर देगा यहाँ पे भी मरकरी आपको। लोन लेंगे तो लोन आपको ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली लोन का खुद का प्रेशर होता है, तो उसको सोच समझ के करिएगा। मैं ये बोलूँगा कि तीसरे घर का मालिक है या ट्वेल्थ हाउस का मालिक, अगर फॉरेन वगैरह जाने का सोच रहे हैं, अगर फॉरेन वगैरह जाने का सोच रहे हैं तो फॉरेन में आप सेटल अभी के मरकरी के टाइम पे थोड़ा बिजनेस वगैरह चला सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आपके पास फादर का बेनिफिट, आपका फादर का सपोर्ट मिले तो उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बोलूँगा जी कि आपका नेचर सेकंड हाउस में 5 नंबर लिखा है और ये सन का हाउस है, तो आपकी टॉकिंग एबिलिटी जो है थोड़ी एग्रेसिव होगी, लेकिन मून के यहाँ बैठ जाने से आपकी एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपकी काफ़ी स्वीट हो जाती है और शांत हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी एग्रेशन, अगर आपकी टॉकिंग एबिलिटी में, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी में एग्रेशन है, तो उसको थोड़ा सुधारने का कोशिश करिएगा। अब बात ये आती है जी कि आप, मुझे यहाँ दिखता नहीं है जी कि फाइनेंशियल कंडीशन आपका कहीं पे भी ख़राब होगा। एटलीस्ट मून के टाइम पे तो एक्यूमुलेटेड एसेट रहेंगे, तो जो 2028 तक चलेगा, आप बनाएंगे, बिजनेस करेंगे तो बनेगा, अगर जॉब करेंगे तो हो सकता है अभी के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो। अब जब मार्स आएगा तब आप अपना बिजनेस करके अपना कोई जॉब पकड़ना चाहे तब आपको जॉब मिलने के चांसेस भी हो जाते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में ही कंटिन्यू करें तो भी आपको फ़ायदा है, या तब आप मार्स के टाइम पे 2028 के टाइम पे आप जॉब कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि मंगल यहाँ पे बैठा हुआ और शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र दस में बैठा है, तो बिजनेस में भी आपको मंगल के यहाँ से बूम मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। अपने ही घर को देख रहा है छोटा मोड़, आप अगर आपके घर में, अगर क्या बोलते हैं, अगर आप एजुकेशन रिलेटेड हैं, अगर आप कोई फिटनेस रिलेटेड जिम वगैरह में, किसी जिम या किसी चीज़ में आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके एजुकेटर एज एन टीचर या उसका बिजनेस भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे शनि भी लोहे से रिलेटेड बिजनेस के लिए गए, तो आप जिम वगैरह भी कर सकते हैं, जिम का भी ओपनिंग या बिजनेस कर सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा मृत्युंजय जी कि किसी भी चीज़ को हमेशा उसी, किसी भी चीज़ को ऐसे लेके चलिए जी कि जो आप चाहते हैं हमेशा वो ना हो,
लेकिन आपका पर्पस तो सॉल्व हो जाए। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा कमाना और फाइनेंसेस अगर आपका पर्पस है, तो मुझे नहीं दिख रहा कुंडली में कहीं पे भी कि फाइनेंशियल कोई दिक्कत हो रही है या फाइनेंसेस का आपका कोई प्रॉब्लम है। पता नहीं अब होगी तो उसके लिए और डीपर नॉलेज में जाना पड़ेगा, या आपसे पर्सनली कभी बात हुई तो पर्सनल रीडिंग में हुई तो बता पाऊँगा, लेकिन अभी तो मुझे कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं दिखती है। अगर आप मेहनत करेंगे बिजनेस में तो ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है, जब फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आप एक ही चीज़ पे फोकस मत करिए जी कि मुझे जॉब से ही मिले या गवर्नमेंट सेक्टर से ही मिले। गवर्नमेंट सेक्टर से मिलेगा क्या पता टेंडर बिजनेस कुछ उठाएंगे तो उससे मिलेगा। अब परमानेंट जॉब के लिए पीछे दौड़ेंगे तो अभी समय नहीं आया है, और मंगल जो आया महादशा में, मंगल जो 10वें घर का मालिक है, तो मंगल अगर आपको कहीं पे हेल्प करेगा तो वो सिक्योरिटी और आर्मी जैसे चीज़ों से रिलेट करेगा, लेकिन आपकी आयु जा चुकी है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग नहीं है तो मेरे को कम ही लगता है जी कि अब उस चीज़ों में आप इंटरेस्टेड होंगे या कर पाएंगे। बाकी आप फिर भी कोई जॉब वगैरह हो तो 2028 के बाद गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइजरी रहेगा कि बिजनेस में जाइए। अब इस कुंडली का सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि फाइनेंसेस वगैरह ठीक रहेंगे, गुरु पहले घर में बैठा हुआ है, अच्छा बेनिफिट देगा, भाग्येश का मालिक होके प्रथम पहले घर में बैठा है और सिक्स्थ हाउस का ओनर होके, लेकिन यहाँ पे नवम का मालिक होके बैठा है तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, इसलिए हो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपके साथ दिक्कत ये है, केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है आपको, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं गए तो आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप अपने बिजनेस अपने एसेट कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर केतु यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को जागृत करिए, धन पैसा सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो इस सांसारिक जीवन को जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है। केतु यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है, धर्म की तरफ ले जा रहा है। उन सब चीज़ों में अगर आप जाएंगे तो शायद पैसा और क्या बोलते हैं जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कन्वीनियंस जिसे हम बोलते हैं, जो फोर्थ हाउस से हम देखते हैं, जैसे गाड़ी घर पैसा और शादी, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं बन केतु के लिए नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें केतु आपको छोड़वाने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट हाउस का केतु यहाँ पे बैठा हुआ कंजंक्शन जुपिटर के साथ है, लेकिन जुपिटर यहाँ पे बली भी है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे केतु के बैठने के कारण आपको इन सब चीज़ों की सुख मिले भी तो आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। इसलिए बोलूँगा अपने आप को कुछ हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाइए, शायद उससे आपको दूसरे प्लैनेट्स की बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि काफ़ी सारे अच्छे प्लैनेट्स की हो रखी है। हालांकि मून के साथ चंद्र शनि की अच्छे रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन 10th हाउस में बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो हेल्थ रिलेटेड इशू चाहे देगा, लेकिन बिजनेस रिलेटेड में आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी मेरी रीडिंग आपकी कुंडली के रिगार्डिंग। आपको थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखिए और अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिए और स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप काम करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओके मृत्युंजय, थैंक यू।